आप माशाल्लाह बहुत सारे मनसब पर रह चुके हैं, आपसे बात करते हैं तो मुझे ज़रा दो फ़ायदे मिल जाते हैं, एक तो लीगल ओपिनियन मिल जाता है, साथ बहुत सारे पॉलिटिक्स जो है वो डिस्कस हो जाती है। ये फरमाएं, आप गवर्नर भी रह चुके हैं, जब कभी भी आपके शहर में आपके सूबे में अनरेस्ट होता है, लॉलेसनेस होती है, वो कोई भी जमात हो, वो कोई फैक्शन हो, मतलब जिस तरह आप ये लोग जा रहे थे अहम तनसीबात की तरफ, अहम मकामात की तरफ, कैंटोनमेंट के अंदर, कोर कमांडर हाउस की तरफ, रेजिस्टेंस क्यों वो नहीं दिखी जो दिखनी चाहिए थी? वाई आई मीन, क्योंकि मेरी तो अंडरस्टैंडिंग है कि फौरी तौर पे अलार्म्स जो है वो बजते हैं, बेल्स बजती हैं और फौरी तौर पे पुलिस जो है वो एक्शन के अंदर आती है, नथिंग ऑन द ग्राउंड जो हमने मनाजिर देखे। बोले यार ना कीजिएगा, द मेथड इन मैडनेस इज वेरी क्लियर, इसमें बड़ा वाजे है। देखिए मैं खुद गवर्नर रहा हूँ, गवर्नर हाउस में चिड़िया पर नहीं मार सकती है, वहाँ खुले दरवाजे मिले उन्हें, कोर कमांडर के उस सारी सड़क से कोई गुजर नहीं सकता है, वहाँ उनको जो है फ्री एक्सेस मिली है। तो ये या तो जब मैं स्टूडेंट लाइफ में भी, जब मैं यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज का सदर था और भुट्टो साहब आ रहे थे और हमने जो है वो की, तो कालाबाग ने जो है उस वक्त उनका भी तरीका था कि हमारे अंदर से ही, हमारे अंदर से स्टूडेंट से मैं लीड करता था, हमारा पत्थर का उठाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, हमारे अंदर से हैरत होती थी कि पत्थर हो रहे हैं, पुलिस को मारे जा रहे हैं, पुलिस की जो है भगदड़ होती थी, एक रिएक्शन होता था, क्लोजर हो जाता था, हॉस्पिटल बंद कर दिए जाते थे, DPR के केसेस हो जाते थे और उसका रिएक्शन ये होता था। तो अब भी ये रिएक्शन कॉल अपॉन किया गया है। अच्छा। आप अगर देखें उसको, स्याह को सबाक में देखें, तो ये देयर इज अ मैसेज इन मैसेज, इसका मौका दिया गया है, मौका दिया गया है, जाते हैं वो नहीं जाना चाहते, जमूर में ये इलेक्शंस नहीं करवाना चाहते, ये सारी डाइवर्शन और सबवर्शन जो है करना इसीलिए चाहते हैं कि 14 मई को ये अवॉइड करके आराम से कह दें कि जी अब तो इस तरह हालात गंभीर हो गए हैं जनाब वाला, और राणा सनाउल्ला साहब बढ़ते मारते हैं कि अगर चीफ जस्टिस ने अगर ये किया तो इसका हाल भी सजाद अली शाह वाला करेंगे, और आज चीफ जस्टिस साहब ने खुद बरमला कहा कि मुझे भी धमकियां दी जा रही हैं कि मेरे घर को जला दिया जाएगा। तो ऐसी बातें आप समझ नहीं रहे हैं, ये राणा सनाउल्ला जैसे वजीर जो दाखला है, जिनको मैं तो कहता हूँ आप भी मूर्त इल्जाम है कि आप उसकी तकरीर सुनाते क्यों है, जो इस तरह की जबान इस्तेमाल करता है कि ओए तू निकल कर देख करके देख तेरा ओ अजर कर, आई मीन ये एक वफाकी वजीर की जबान जो एक सबका वजीर आजम के बारे में भले 100 इख्तलाफात हो हमारे, लेकिन क्या आप क्यों इसको दिखाते हैं टीवी पे? मैं तो हैरान होता हूँ, सारा कुछ समझते हैं, फिर आप कह रहे हैं आप हैरान होते हैं, आपको नहीं पता कि हम क्यों दिखाते हैं। नहीं यार, कुछ भी हो मैं खुद भी रहा हूँ, ऐसा लोग नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं, ये नासूर है मुआशरे पर, और इखलाकियात की तो धज्जियां उड़ा दी थी गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मॉडल टाउन के आपने कत्लो गारत गरी में आप बच गए तो आप सारी पाकिस्तान को जो है इस तरह कत्लो गारत गर बनाकर एक जो है आग लगा सकते हैं।